हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में एक कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, और अगर बात करें आई थिंक 275 रुपीज़ का 275 रुपीज़ का डिविडेंड प्लस में स्पेशल डिविडेंड दोनों इंक्लूड करके इतना डिविडेंड देता हुआ आपको कंपनी मिल रही है। रिजल्ट काफ़ी फंटास्टिक आए हैं और बहुत बेहतरीन कंपनी है। मैं भी उसे काफ़ी दिन से रेडार पे रख रहा था। और अगर बात की जाए फार्मा सेक्टर की कंपनी, और वो फार्मा सेक्टर की कंपनी बात करें तो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन, मतलब डेट फ्री कंपनी तो है ही है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, उसके टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करवाए। एज वेल एज अगर बात करें कल की डेट में काफ़ी सारे शेयर से रिलेटेड बातें की गई थी, और बात करें तो बहुत सारे के सारे मोस्टली शेयर आपको भागते हुए दिखाई दिए थे। और अगर हम यहाँ पर देखें एक ब्रेकआउट शेयर है, वो आज के दिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट किसी भी दिन ब्रेकआउट हो सकता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम चलते बात करते हैं वीडियो में यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो देखिए चार्ट पैटर्न यहाँ पर आज के दिन रिजल्ट भी अच्छे आ गए, स्टिल कंपनी यहाँ पर घिरती हुई नजर आई। ओके, क्योंकि ये जो शेयर है ना, मोस्टली लोग लेना प्रीफर नहीं करते। क्यों नहीं प्रीफर करते? क्योंकि इसका जो प्राइस है ना, वो 16,000 के आसपास है। 16,000 जहाँ पर दिख जाता है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें छोटे छोटे शेयर अगर 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वाले शेयर ज़्यादा पसंद आते हैं, जबकि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। इनमें रिस्क भी कम होता है और उनमें गेन कम होता है और इनमें गेन भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी अगर देखे तो देखिए इसी कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर ये पूरा शेयर चलता है, बट 5 ईयर का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो शेयर ने आपको ना मल्टी बैगर रिटर्न दिए 5 साल के अंदर अंदर 242% के रिटर्न। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं आपको शो करता हूं, तो कभी 506 रुपए का शेयर हुआ करता था, और आज के दिन की अगर बात करें तो 3,067% के रिटर्न दिए। और इसे ये तो तब दिखा रहा है जब यहाँ पर बिना बोनस की बात हुई है, बट अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड कर देते हैं ना, तो कंपनी ने 7 टाइम्स, ओके, 1969 से कंपनी एग्जिस्ट है। और यहाँ पर अगर देखें तो आपको 1969 से 1998 तक यहाँ पर बोनस 1:1, 1:1, 3:5, 1:3, इस तरीके के बोनस कंपनी ने आप लोगों को दिए है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होगा, और उस तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो मार्केट से। तो यहाँ पर ये जो चार्ट पैटर्न दिखाया ना, ये बिना बोनस के, बट अगर एक बार बोनस इसमें इंक्लूड कर दोगे ना, ये 7 टाइम्स का बोनस, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का एग्जैक्टली है क्या। राइट इशू की बात करें, एक बार कंपनी राइट इशू भी लाई है। अब आ जाते हैं मेन न्यूज़ पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब 27 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है। ओके, उस दिन आपको डिविडेंड से रिलेटेड बातें बता दी जाएगी कि कब रिकॉर्ड डेट है, कब क्या है, और आपको तब डिविडेंड यहाँ पर फाइनल डिविडेंड 120 रुपीज़ एंड स्पेशल डिविडेंड 155 रुपीज़, अगर बात करें 275 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 275 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो मतलब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तभी कंपनी इस तरीके के डिविडेंड बांटती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये देखिए इन करोड़्स में यहाँ पर इनके रिजल्ट है, आज रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q4 के रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट है, ये Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल इनकम की, ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 11 मतलब 1,111.774 करोड़ इन रुपीज़ में यहाँ पर टोटल इनकम हुई है। इससे पहले 1,110 करोड़ था, इससे पहले 989 करोड़ था। तो अगर हम बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे आपको लगभग फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। ओके, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अदर इनकम में अगर 1 करोड़ रुपए यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, ये अगर ये नहीं होती तो यहाँ पर आपको फ्लैट ही दिखाई देता कि कंपनी ने इतना ही देखिए यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग सेम ही है, बट क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए इस बार, लास्ट टाइम कम हुए थे, तो इस वजह से प्रॉफिट का रेशियो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर 840 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस ईयरली बेसिस पे पहले हुआ था, बात करें 872 का Q3 में था, 909 करोड़ रुपये का इस बार था। तो अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंस वगैरह सब चीज़ खत्म करने के बाद, ओके, तो अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं
तो यहाँ पर आप देखिए 152 रुपये का यहाँ पर 152 करोड़ रुपये का 152 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया। इससे पहले 177 था और इससे पहले की बात करें तो 110 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी ने देखिए अच्छा खासा परफॉर्म किया है, नो डाउट। बट अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो लगभग लगभग 25 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर हमें नेगेटिव दिखाई देता है। तो जो कि अच्छी बात नहीं है कि कंसिस्टेंसी अगर क्वार्टरली रिजल्ट में भी हो, ओके ईयरली तो है ही है, ईयरली साफ दिखाई दे रही, बट क्वार्टरली में भी और थोड़ा आ जाता है ना, तो ये जो शेयर जो आज गिरा था, लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा रिजल्ट वगैरह, ओके इस वजह से यहाँ पर ये शेयर लास्ट में गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये शेयर के रिजल्ट ईयरली बेसिस पे कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से क्वार्टरली बेसिस पे, सॉरी, तो ईयरली बेसिस पे अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे इतने अच्छे रिजल्ट पेश नहीं हुए। अगर यहाँ पर देखते हैं ईपीएस, तो ईपीएस से भी सारी कहानी समझ में आ जाती है। 71 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 83 रुपये का था, इससे पहले की बात करें 52, तो ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, इस वजह से यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आया। बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, जो कि हमें चार्ट पैटर्न में शो हो रहा है बिल्कुल, तो उस चीज़ को आपको देखना होगा, काफ़ी अच्छा बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इस शेयर को कभी भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन हमेशा देता ही नजर आएगा। बाकी अगर बात करें ये लगभग अभी पिछले एक साल से इसी कंसोलिडेशन फेज पे यहाँ पर गुजर रहा है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिलीवरी की, तो 34% की डिलीवरी, देखिए बड़ा शेयर है तो आपको पता ही है लोग ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते, ओके बड़े लोग यहाँ पर खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज के दिन में भी 8497 यहाँ पर वॉल्यूम आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, बट इसके लिए ये भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए 52 वीक लो 2nd of February 2021 को 13,000 का शेयर था। इसके बाद अगर बात करें कुछ दिन पहले तक ये 14,000 तक भी था, एक आध महीने पहले, और बात करें अभी 8 June 2020 को लगभग 18,000 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ हमें दिखाई दिया था। इसके अलावा यहाँ पर डिविडेंड जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके लास्ट टाइम भी मतलब डिविडेंड के मामले में कंपनी अच्छी है, स्पेशल डिविडेंड देगी प्लस में यहाँ पर, और जब डिविडेंड बढ़ता हुआ नजर आता है तो समझ लीजिएगा कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए यहाँ पर पहले 35 रुपीज का था, फिर 40 का हुआ, फिर 55 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड के साथ, फिर 50+15 ही है ये स्पेशल डिविडेंड। अगर बात करें फिर 107 और 143 यहाँ पर ये स्पेशल डिविडेंड, फिर इसके अलावा इस बार फिर दोबारा इन्होंने इंक्रीज कर दिया अपने, तो इस तरीके से जब ये डिविडेंड इंक्रीज होता है समझ लीजिए आपको अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करते हैं, कंपनी अच्छी है। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं जो कि और ब्रीफली देखेंगे, तो 75% मतलब कंपनी जो रूल है ना सेबी का उसे ही अप्लाई कर रही है। इसके अलावा और 1 रुपये का भी शेयर यहाँ पर किसी और को देना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर देख लीजिए 75% के शेयर में से कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का नाम, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है अबॉट इंडिया लिमिटेड। ओके करती क्या है कंपनी, तो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दिखाई देती है, ओके फार्मा में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी भी है। अगर यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आप चले जाइए तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर देख लिया, फार्मास्यूटिकल्स अबाउट इंडिया लिमिटेड, तो काफ़ी सारी एलर्जी से रिलेटेड यहाँ पर दवाई, एज कंज्यूमर केयर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर एक बार इनके थेरेपीज़ वगैरह मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो इस चीज़ को आप एक बार देखना होगा, एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा तो एक आपको आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। देखिए कंपनी आपको पता ही है यहाँ फार्मास्यूटिकल्स APIs वगैरह में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, लार्ज कैप कंपनी में रिस्क बड़ा कम होता है और गेन अच्छा खासा ही होता है, जो कि आप देख सकते हो। मार्केट कैपिटल की बात करें 35,000 करोड़ के आसपास है। डेट की बात करें 7% का डेट है और प्लेजिंग की बात करें कोई प्लेजिंग नहीं है। ROCE की बात करें 35% के ROCE पे कंपनी काम करती है। अगर बात करें ROE की 26% का ROE है और 53 के PE पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इंट्रेंसिक वैल्यू 12,000 के आसपास है और अभी ये 16,000 के आसपास ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर बात करें यहाँ सेल्स की, तो देखिए सेल्स जो अब की आर होती हुई नजर आई है, मतलब दिसंबर में जो सेल्स थी मतलब 1,095 करोड़ रुपीज़ की, वो हाईएस्ट एवर थी, बट अभी थोड़ा बहुत गिरावट होती हुई नजर आई है। अगर सेल्स के मतलब से देखें तो सेल्स तो लगभग सेम ही है, ओके हाईएस्ट एवर ही है, बट नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं दिसंबर के क्वार्टर में तो अच्छा खासा ही है, बट इस बार भी अच्छा खासा ही समझ सकते हैं आप, थोड़ी बहुत गिरावट नेट प्रॉफिट में जरूर दिखाई देगी। और अगर हम ओवरऑल से बात करते हैं सेल्स की,
तो ये आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि इस बार की भी सेल्स अगर इसमें ऐड होगी 12 मंथ्स की, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए सेल्स 666 करोड़ से लेके 4142 करोड़ रुपये तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। एज वेल एज नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग मैनर में है। कंपनी इंटरेस्ट पे करती नहीं है यहाँ पर, अभी थोड़ा सा शायद बीच में लोन लिया था तो इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोरिंग थोड़ी सी 166 करोड़ की बोरिंग थी, सितंबर तक थी। ओके, और बात करते हैं दिसंबर में, तो यहाँ पर देखिए दिसंबर में थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट कम पे हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर और अभी एक दो दिन बाद ही अपडेट हो जाएगी, तो एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पर बोरिंग कम होती हुई आपको नजर आ जाएगी। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के अच्छे खासे रिजर्व्स है, 2241 करोड़ के रिजर्व्स है। ओके, कंपनी यहाँ पर एक्सपेंडिचर में भी लगी हुई है, फिक्स एसेट यहाँ पर देख लीजिए बढ़ते हुए नजर आ रहे। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट अगर कैश की बात करें देखिए 1942 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ है, 345 का ट्रेड रिसीवेबल है, टोटल एसेट बढ़ती हुई कंपनी की नजर आ रही है। तो ये सारे पैरामीटर है जो आपको कंपनी की वैल्यू के बारे में बताते हैं, कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं। कंपनी के आपको आरओई देखिए, मतलब 35 से कभी नीचे आई नहीं, 34, 35, 33 तक तो रही है, मतलब 30% से ऊपर आरओसी का रहना आपको ऑलवेज मैं कहता हूँ। इस तरीके की कंपनी अगर आप अच्छा पैसा लगा देते हो, और इसी तरीके से कंपनी बढ़ती रहती है, आपके पैसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 75, FIs की बात करें 1%, DIs की बात करें यहाँ पर 5.53%, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास है 18% की हिस्सेदारी। बाकी DIs में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर DIs भी अच्छा खासा यहाँ पर 5% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं। तो अगर चार्ट पैटर्न की कुछ बात करते हैं, तो देखिए इसका जब हाईएस्ट यहाँ पर बात करें 12 मई 2020, यहाँ पर अगर हम 12 मई 2020 का यहाँ पर रिजल्ट निकालते हैं, अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में बात करते हैं, मैं मतलब यहाँ पर लगभग यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आई थी उस टाइम, तब ये शेयर अगर बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर पर पहुँच गया था, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली गिरावट थी, बट स्टिल अगर बात करें अभी भी सेल्स काफ़ी बेहतरीन है दिसंबर में भी, और अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स है। तो कंपनी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और ये आगे चल के रिवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर क्या कहते हैं कप विद हैंडल यहाँ पर चार्ट पैटर्न कभी भी बना सकती है, और ये दो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो जैसे ही बनते हुए नजर आएंगे तो एक ब्रेकआउट आएगा, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 16% का गेन आज की डेट में भी यहाँ पर साफ नजर आता है, अगर इसे आप थोड़े टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। तो इस तरीके से काम करके अच्छी खासी कंपनी जहाँ पर आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो अगर बात करोगे तो अच्छे खासे आपको रिटर्न्स भी मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है, थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी को ऊपर ही जाना है, जो कि इसका चार्ट पैटर्न ऑलरेडी कहते ही है कि भाई मुझे ऊपर ही जाना है, मुझे नीचे नहीं जाना। तो एक साल से कंसोलिडेशन कर रही है, बाकी एक कभी भी भाग सकती है। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, दूसरे लोगों को कनेक्ट करिए हमारे चैनल के साथ, और ताकि वो भी इस तरीके की शेयर बाजार से रिलेटेड नॉलेज पा सके। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी हिट करिए। So thank you so much. God bless.